दोस्तों, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि चाइना अपने बेकार खाने और नकली सामान के लिए काफी ज्यादा फेमस है। चाइना हर एक मशहूर ब्रांड की नकली कॉपी बना देता है। चाइना अपने खाने में चूहों से लेकर कुत्तों तक को खा जाता है, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चाइना ये एक ऐसा देश है जो कि पूरी तरह से नकली और मिलावटी चीजों से भरा पड़ा है। यहाँ से खाने पीने के मामले से लेकर आपको अनाज में भी मिलावट मिल जाएगी। अगर आपको यकीन ना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। रैट इंस्टेड ऑफ चिकन। दोस्तों, चूहे जैसे जानवर को देखकर हम खाना भी ना खा पाए, और जिसकी सबसे बड़ी वजह है चूहों की वजह से पाई जाने वाली अलग अलग बीमारियाँ। क्योंकि चूहों से सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों बीमारियाँ होती है। चूहों के अंदर कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि इंसान की जान लेने के लिए काफी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, चाइना यहाँ पर चूहों को खाना काफी ज्यादा पसंद करता है, चाहे फिर उसे पकाकर हो या फिर कच्चा ही खा जाता है। यहाँ तक कि इंटरनेट पर कई सारी वीडियोस ऐसी है जिसमें जिंदा चूहे को चाइना खा जाता है। अगर कोई चूहा ना खाना पसंद करे तो उसे जबरदस्ती भी खिला दिया जाता है, क्योंकि चाइना में चूहों की बहुत तादाद है। चूहे ज्यादा होने और उनके आसानी से मिल जाने की वजह से इन्हें लोग चिकन बोलकर बेच देते, और वहाँ के लोकल दुकानदार चिकन के मीट में चूहे का मीट मिला देता है, और ग्राहक को खबर तक नहीं होती कि वो मुर्गी के बजाय एक घुसपैठिए को खा रहा है। चाइना ने 2000 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कि चिकन के नाम पर चूहे खिला रहे थे ग्राहक को। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी चाइना के लोग कहाँ मानने वाले हैं। इसलिए अगर आपका कभी चाइना में जाना भी होता है तो चिकन को जरा सोच समझ कर ही खाना। अगर वो लोग चिकन में चूहे का मांस नहीं भी मिला पाते तो फिर चिकन के वजन को बढ़ाने के लिए वो उसमें एक केमिकल का इंजेक्शन मिला देते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस मांस में इंजेक्शन लगाने के बाद वो फूलता चला जा रहा है, और अब वहाँ के लोग इस तरह के मांस को बेचकर उस पर ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। फेक अल्कोहल। दोस्तों, दारू नशा करने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं है, लेकिन चाइना वालों ने टल्ली लोगों को भी नहीं छोड़ा, और चाइना में लोग नकली शराब को असली बनाकर बेच देते हैं। वैसे सिर्फ चाइना में ही नहीं, पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगा, लेकिन चाइना में इस धंधे को बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। आपको जानकर हैरानी हो कि चाइना में हर घंटे नकली 4000 शराब की बोतलें बन जाती है। पहले तो शराब पीना इंसान की सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो सोचिए नकली शराब पीने के बाद इंसान की सेहत पे इसका क्या असर पड़ेगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे नकली शराब को बनाने का काम अंजाम दिया जा रहा है। इंसान नशे में तो नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में तो जरूर पहुंचेगा। इन शराब की नकली बोतलों पर लेबलिंग और ब्रांडिंग ऐसे की जाती है कि देखने में लगता है कि मानो ये असली शराब की बोतल है। इतने शानदार तरीके से बनाते हैं कि किसी को भनक तक नहीं लगती कि ये शराब असली है या फिर नहीं। अडल्ट्रेशन ऑफ फिश। दोस्तों, आप में से भी कई सारे लोग फिश खाना काफी ज्यादा पसंद करते होंगे, और महाराष्ट्र और बंगाल में फिश काफी ज्यादा खाई जाती है, लेकिन कम से कम हमारे इंडिया में मछली तो असली मिलती है जो कि कुदरती तौर से बड़ी हुई होती है। जब मछली कुदरत के निजाम के हिसाब से बड़ी होती है तो उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाइना में फिश की ग्रोथ को फास्ट करने के लिए वहाँ पर एडल्ट्रेशन का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेचा जा सके और उनका वजन भी बढ़ जाए। इसको खाने के रिस्क कितने हैं आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सब्जियों को अगर कच्चा खा जाए तो उससे भी हमें तकलीफ होती है, और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो सोचिए एक मछली को खाने के बाद जिसे इंजेक्शन से बड़ा किया गया हो, जिसमें केमिकल्स हो, उसे खाकर हमारी क्या हालत हो सकती है। गटर ऑयल। तो सब मैं आपको चाइना की एक ऐसी हरकत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर और सुनकर भी शायद आप उस पर यकीन न करें। चाइना में ऑयल बनाने के लिए गटर के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। वो गटर के पानी का इस्तेमाल करके ऑयल को बनाते हैं, क्योंकि ये ऑयल काफी ज्यादा सस्ता होता है, और वो इस ऑयल को स्ट्रीट पर मौजूद होटलों में बेच देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, ये ऑयल काफी ज्यादा सस्ता होने की वजह से वहाँ पर इसकी डिमांड काफी ज्यादा हाई है। दोस्तों, मुझे सच में यकीन नहीं आता कि चाइना ये सब चीजें कैसे खा और पी सकता है। आप खुद ही सोचिए इस तरह के तेल को खाने के बाद इंसान की सेहत का क्या हो सकता है। गटर के पानी में इस तरह के वेस्ट मटेरियल और केमिकल मौजूद होते हैं जो कि कैंसर पैदा करने के लिए काफी है, और यही वजह है कि चाइना में रहने वालों में से आधे से ज्यादा लोगों को कोई ना कोई बीमारी मौजूद है। वॉलनट ऑफ सीमेंट। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि नकली किसे कहते हैं। आपने अपनी जिंदगी में अखरोट कभी ना कभी तो खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी नकली अखरोट खाया है? जी हाँ दोस्तों, चाइना में स्ट्रीट पर मिलने वाले अखरोट में से ज्यादातर अखरोट नकली होते हैं, जिसमें उसे बहुत ही आसानी से खोलकर उसके अंदर के गुदे को निकालकर उसमें सीमेंट भर दिया जाता है, और इसका वजन भी असली अखरोट के बराबर ही होता है। लेकिन जब इंसान उसे घर लेके जाता है तब उसे असली और नकली में फर्क समझ आता है। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता चाइना इतनी छोटी छोटी आंखों के साथ इतने सटीक काम कैसे कर लेते हैं। फेक कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक्स पी होगी, लेकिन अगर आप चाइना चले गए और वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो इसका एक घूंट पीना भी आपकी सेहत के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होगा।
क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि नकली कोल्ड ड्रिंक्स बेचने का काम करते हैं और जिन कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद में कुछ तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, और कई मामलों में इनकी वजह से अथड़िया भी सड़ सकती है और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। फेक एक दोस्तों, आप सभी को पता है कि अंडा खाना सेहत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है और आजकल जो लोग जिम करते हैं वो लोग अंडे ज्यादा खाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि चाइना में अंडे भी नकली बेचे जाते हैं और वहां के अंडे इतने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं कि अगर आप उसको खाना शुरू कर दो तो एक साल में आपकी सेहत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसे खाने के बाद आप अलग अलग बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे, क्योंकि इस अंडे को बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती है वो किसी टॉक्सिक से कम नहीं है। चाइना में अंडों को आर्सेनिक एसिड, पोटेशियम, फिट करी, जिलेटिन, कैल्शियम क्लोराइड और पानी के साथ साथ अलग अलग रंग और जेली से तैयार किया जाता है, और जहाँ पर अंडों के छिलकों को कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल असली दिखाई देते हैं। इस अंडों को खाने के बाद में इंसान को पागलपन के दौरे भी आ सकते हैं। फेक राइस, दोस्तों चावल एक ऐसा अनाज है जिसे दुनिया में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि चाइना में तो बिलियंस ऑफ टन की खेती होती है चावल की। लेकिन ये सारे चावल पूरी तरह से असली नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर कई लोग नकली चावल बनाने का काम करते हैं जो कि पूरी तरह से प्लास्टिक के बने होते हैं। इन चावल को आलू और केमिकल्स की मदद से बनाया जाता है। इन चावल को खाने के बाद इंसान कैंसर से भी पीड़ित हो सकता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चावल बिल्कुल असली दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जब इन्हें उबाला जाता है तो ये बिल्कुल असली चावल दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि असली और नकली में फर्क कैसे करें? इसे पहचानने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, जिसमें आपको कुछ चावल को जलाकर देखना होगा। अगर इन चावल को जलाने के बाद इनमें से प्लास्टिक की स्मेल आने लग जाए, इसका मतलब है कि चावल फेक है, और अगर प्लास्टिक की स्मेल ना आए तो मतलब चावल असली है। 2016 में नाइजीरिया से बहुत सारे चावल को सीज किया गया था, क्योंकि इन्हें चाइना से ही इम्पोर्ट किया गया था। अगर उस वक्त उन चावल को सीज नहीं किया जाता तो आज नाइजीरिया में बहुत लोग उसे खा चुके होते। लेकिन चलो, ये तो एक ऐसा केस है जिसमें उन लोगों को पकड़ लिया गया। लेकिन सोचो मार्केट में आज ऐसे कितने लोग घूम रहे होंगे जिन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। दोस्तों जरा इस वीडियो को देखिए। कुछ साल पहले ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसमें कई लोगों का ये मानना था ये जो चाइना बना रहा है इन नकली बीफ है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई बीफ नहीं है, बल्कि ये एक सिलिकॉन रबर है जिससे कई सारे प्रोडक्ट बनने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना नकली बीफ नहीं बनाता, चाइना नकली बीफ भी बनाता है। यहाँ पर दूसरे जानवर जैसे कि चूहे, उदबिलाव, इनके मांस में लाल कलर मिलाकर और जिलेटिन मिलाकर इन्हें मटन बोल के बेच दिया जाता है। कुछ साल पहले चाइना में ऐसे 1000 लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन इसके बाद भी चाइना कुछ ऐसी तरकीबें निकाल लेता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। जब तक नकली खाने की वजह से कोई मरना चाहे तब तक उस होटल की उस खाने की जांच नहीं होती, इसलिए चाइना में काली मिरी के अंदर मिट्टी मिलाकर उसे बेच दिया जाता है। इसे खाने की वजह से किसी व्यक्ति की मौत तो नहीं होती, लेकिन वो कई सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। फेक मिल्क, दोस्तों आज के टाइम में बच्चों के लिए दूध पीना कितना ज्यादा जरूरी है ये आपको भी पता है। लेकिन चीन में मार्केट में कुछ ऐसे दूध मिलते हैं जिसे बचा जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। चीन में कई तरह के ऐसे नकली दूध मिलते हैं जिससे बच्चे की जान भी जा सकती है। कुछ समय पहले पता चला कि बाहर मिल रहे दूध में मेलामाइन मिलाकर उसे बेचा जाता है। मेलामाइन एक ऐसा पदार्थ है जो कि खाने में प्रोटीन को बढ़ाता है और इलीगल डिल्यूशन को कवर करता है। अब इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान होता है सबसे बड़ा किडनी स्टोन का, और किडनी स्टोन के दर्द से आप में से भी बहुत सारे लोग वाकिफ हो गए। 2008 में जब रिसर्च हुई और जब पता चला तो कई माँ बाप जानकर हैरान रह गए कि वो इतने टाइम से जो बच्चों को दूध पिला रहे थे वो पूरी तरह से नकली था। दोस्तों चाइना सिर्फ खाने पीने के मामले में नहीं बल्कि मार्केट में हर एक चीज की कॉपी बना लेता है। चाइना अपनी लगभग सभी चीजों में मिलावट करता है। लेकिन दोस्तों आप लोग बिना मिलावट के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।